Hi, Nitera Kuka 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 Nitera. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस बी कूल टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल नेम को स्टाइलिश फॉन्ट में कैसे चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी देखते रहिए मेरे इस वीडियो को अंत तक, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंस आपको आसानी से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप और आपको चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी के लिए आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर आपको किसी भी अन्य ब्राउज़र में इंटर हो जाना है। तो फ्रेंड्स, इंटर होने के बाद आपको सिंपली ये सर्च बार में क्लिक करके आपको सर्च करना है पीएस फॉन्ट टीके, इतना लिख के हमको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें हमको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस तरह का शो होगा। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके आसानी से इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके जो भी टेक्स्ट पहले से इंटर्ड है इसको हम क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हमें जो नाम चाहिए, जो भी नाम चेंज करना है हमको, इसमें हम अपना इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने तरह तरह के फॉन्ट दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, हमको जो भी इसमें से जो भी हमको फॉन्ट पसंद है या फिर जो फॉन्ट चेंज करना है इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन, जैसे कि हमको ये वाला फॉन्ट चेंज करना है तो ये जो कॉपी वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ये जो फॉन्ट है आसानी से कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद फिर से हम एक न्यू टैब लेंगे। न्यू टैब लेने के बाद हमको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक अकाउंट आप ध्यान दीजिएगा कि आपका फेसबुक अकाउंट आपको किसी ब्राउज़र में ही लॉगिन करना है। आप अगर आप किसी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, जैसे आप फेसबुक लाइट या फिर किसी भी आप ब्राउज़र में लॉगिन करते हैं अपने फेसबुक को, अब वहां से आप चेंज करते हैं फॉन्ट अपना, जब आपका जो नाम है तो चेंज नहीं होगा, आपका फॉन्ट पेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पेस्ट ही नहीं होगा तो आपका फिर चेंज क्या होगा। इसलिए आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में ही लॉगिन करना है। तो हमारा फेसबुक ब्राउज़र में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद ये साइड में दिख रहा है थ्री डॉट पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद इसमें सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, एक सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ऊपर में नेम है, नेम वाले में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसमें हमको इसको हटा देना, जो पहले से लिखा हुआ है उसको हटा देना है। हटाने के बाद पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट नेम है उसको रहने देंगे। फिर सेकेंड नेम में आ जाएंगे, सेकेंड नेम वाले में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बाकी जो लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, उसको हम हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद फिर लास्ट नेम में आ जाएंगे, लास्ट नेम को टच कर हम पेस्ट कर देंगे। बाकी जो फर्स्ट और मिडिल है उसको हम हटा देंगे। फिर हमारा ये नाम सारा मैंने इसमें इंटर कर लिया है। इंटर करने के बाद ये रिव्यू जो चेंज लिखा है इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ एक ऑप्शन आएगा, मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, मैं बार बार चेंज नहीं कर सकता। आप रिव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड आएगा, पासवर्ड दीजिएगा, आपका आसानी से चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चेंज नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चेंज नहीं हो रहा है भाई, कैसे क्या होगा, आपको जरूरी पूरा आपके में पूरी मदद करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको ये वीडियो लगा। आपको थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए।